टीवी का जाना माना सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में इस शो में अमित कुमार पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने इस शो को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो काफी हैरान करने वाली थी। काफी समय से शो में विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया जज के रूप में नजर आ रही हैं। इनकी जगह शो में अनु मलिक, सॉन्ग राइटर मनोज मुंतशिर नजर आ रही हैं। आदित्य नारायण ने मीडिया को एक इंटरव्यू में बताया कि नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया तो वापस आ जाएंगे, लेकिन विशाल नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें अपने माता पिता की चिंता सता रही है। कोरोना काल में शो की वजह से किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। कोरोना वायरस के चलते इस शो की शूटिंग दमन में हो रही है। विशाल अपने माता पिता के साथ लोनावला में रहते हैं। ऐसे में लोनावला से दमन तक आने जाने में उनके माता पिता को संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतते हुए विशाल ने फिलहाल शो जज ना करने का फैसला किया है। वैसे आपको बता दें कि बीते दिनों जहां किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया, वहीं अब सिंगर सुनिधि चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सिंगर का कहना है कि उनसे कंटेस्टेंट की तारीफ करने के लिए कहा गया था, बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि सबकी करनी है, लेकिन हाँ तारीफ करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वो ये सब नहीं कर सकी जो वो चाहते थे और उन्हें शो से अलग होना पड़ा। सुनिधि चौहान ने कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए एक बड़ा टिकट बन गए हैं, लेकिन इसमें आर्टिस्ट का ही नुकसान होता है।